हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास सेवन के जीके ओलंपियाड IGKO का सैंपल पेपर देखेंगे। ये ओलंपियाड 19 सितंबर को भी है, तो मेरे ख्याल से दो दिन जिन बच्चों का 19 सितंबर को है उनको थोड़ा सा सैंपल पेपर से रिलेटेड ही 40-50 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आपको तैयार कर लेने चाहिए। और मेरे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर के जीके ओलंपियाड मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीके ओलंपियाड क्लास सेवन या क्लास सेवन ओलंपियाड्स, दो तीन प्लेलिस्ट मिलेंगी, उनमें जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम रिपीट होते हैं हर बार, तो वहाँ जाके आप वो भी देख सकते हैं। और इन जो क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं इनसे रिलेटेड भी आपको चार पाँच क्वेश्चन या 10-15 क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपकी अच्छी रैंक आ सकती है। तो यहाँ जैसे कि पता है आपको 50 क्वेश्चन हर बार आता है, 1 आवर रहता है, तो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस, मतलब आपका जीके कितना स्ट्रॉन्ग है उससे रिलेटेड। 10 क्वेश्चन होता है करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट अफेयर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लास्ट ईयर में, तो इस साल जो करंट अफेयर है बस आप वो याद रखेंगे। जैसे T20 वर्ल्ड कप हुआ है, स्पोर्ट्स को देखेंगे, ओलंपिक हुआ है, और पॉलिटिक्स को देखेंगे तो PM का इलेक्शन हुआ था, बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, और बाकी बहुत सारी जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो सब भी इसमें देखनी होती हैं। टेनिस से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स में। टेनिस में 4 इवेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, फ्रेंच ओपन, तो वो सब उनका विनर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अचीवर सेक्शन देखेंगे, तो अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन रहेगा और इसका एवरी क्वेश्चन क्या है 3 मार्क्स का होता है। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें आपका सिलेबस भी दिया गया है, ये आप सिलेबस देख सकते हैं। जिन बच्चों का आगे अक्टूबर में एग्ज़ाम है वो अच्छे से सिलेबस को देख लें और उसके बाद तैयारी शुरू करें। मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट आपको ओलंपियाड्स का, जीके का, सभी तरह के जीके ओलंपियाड्स का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप उन प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, एंजल फॉल्स, मतलब ये झरना है, फॉल्स का अगर आप और कुछ मीनिंग मत लगाना, झरना है। एंजल फॉल्स इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट वाटरफॉल, इट इज़ सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो कौन सी कंट्री में है एंजल फॉल, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वाइडेस्ट रिवर का, बिगेस्ट रिवर का पता होना चाहिए, कहाँ ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो ये वेनेजुएला कंट्री है, वहाँ पर आपको ये झरना एंजल फॉल मिलता है। शायद ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, ब्राज़ील के आसपास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद भारत के बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु रहे हैं ये, तो इन्होंने क्या क्या किया था, बहुत सारे इवेंट्स चलाए थे इंडिया में, और इनका सबसे फेमस रहा था इन्होंने स्टार्टिंग ऑफ रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, शुरू किया था इसको, हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। अमेरिका में एक बार ये भाषण भी देने गए थे तो वहाँ के लोग इनसे बहुत इम्प्रेस हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर कौन रहा, तो ये जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू, वो रहे थे, शायद अब की बार मोदी इसका रिकॉर्ड तोड़ दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी, तो आपको प्राइम मिनिस्टर इधर दिया गया है, फर्स्ट प्रेसिडेंट का भी पता होना चाहिए, पहला प्रेसिडेंट कौन था और अभी के लिए कौन है प्रेसिडेंट, वो आपके करंट अफेयर में पूछे जा सकता है। कम से कम 10-15 जो पावरफुल कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जिनका नाम है उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लास 7 में अक्सर पूछा जाता है। क्लास 7 में तो उनका फॉरेन मिनिस्टर भी पूछ लिया जाता है और स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर भी पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फेमस कंट्री जैसे अमेरिका हो गई, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, रसिया, जापान, जर्मनी, इन सब का पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
फोर है हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितनी धाराएं हैं अपने, कितनी सूचियां हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल कितने हैं ये सब पता होना चाहिए। किस आर्टिकल में मेनली 20 तक आर्टिकल याद करने के होते हैं, तो किस में क्या है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 12 हैं, पहले 8 थी ये जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, उसके बाद में 8 से ये 12 हो गई थी। एब्रीवेशन मिलेगा कुछ ना कुछ आपको, तो इनका थोड़ा सा देख लेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, तो जीपीएस आजकल बहुत यूज हो रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, इसका फुल फॉर्म रहेगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसकी सहायता से आजकल बहुत सारे क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द मंकी फैमिली, तो इनका लार्जेस्ट एनिमल क्या है, मेंड्रिल। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, ये लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द मंकी फैमिली इज मेंड्रिल। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, जो वाईफाई नाम सुना है आपने, ऐसा ही कुछ लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ए फार्मर हु रेगुलरली वॉन प्राइज फॉर द बेस्ट क्रॉप आउटपुट एक्सप्लेन द रीजन फॉर हिज सक्सेस एज, आई शेयर माई बेस्ट सीड्स विद माई नेबर फार्मर्स, वाई डिड ही डू दिस, तो बेस्ट सीड अपने ये नेबर फार्मर को देता है। तो इसमें पूछा गया कि ये आदमी किस तरह का है, ठीक है, तो इसका आप इजीली देख सकते हैं, ही डिड नॉट वांट हिज नेबर टू बी जीलियस, बात तो ये से भी सही है, ही रियली लाइक्ड हिज नेबर्स, ये भी सही है, दिस एंश्योर्ड बेटर पोलिनेशन फॉर हिज क्रॉप्स, ये भी सही है, ही इज़ अ जेनरस पर्सन ही लाइक्स टू शेयर। तो मेन बात इसमें क्या है, वो बेटर अपने जो क्रॉप है उसके जो सीड्स है वो अपने नेबर से डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि क्या होता है कई बार क्रॉप किसी के फील्ड में अच्छी लगी है और बाकी में ख़राब लगी है, तो जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं वो अच्छी वाली को ही ख़राब करते हैं, तो आस पास में अगर रहेगी सब तरह अच्छी अच्छी रहेगी तो उसकी क्रॉप को नुकसान होने का चांस कम रहेगा, इसलिए वो क्या करता है कि हाँ कि आस पास में भी अच्छी क्रॉप होगी तो मेरी क्रॉप को ज़्यादा हार्मफुल हानि नहीं पहुंचेगी इंसेक्ट से या बर्ड से, इसलिए वो फार्मर क्या करता है अपनी क्रॉप के जो बेस्ट सीड है उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाद आपको अचीवर सेक्शन इधर देखने को मिल रहा है, रियल वाले एग्जाम में ओलंपियाड में आपको अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 46 to 50, और एक क्वेश्चन इसका 3 मार्क्स का होता है, तो ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी रैंक के लिए। अगर इसमें आप 5 क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं तो एंश्योर हो जाते हैं आप कि आपकी अच्छी रैंक आने वाली है। इसमें मेनली एक तो मैच करना होता है, एक ट्रू फॉल्स होता है, ऐसे कुछ दिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो मैं बता देता हूँ, किंग लियर, प्रोस्पिरो, मिरांडा, कैलिबेन, ये हैं क्या चीज़, हालांकि बहुत ही डीप का क्वेश्चन है ये, तो आप ये इसको सर्च करना क्या चीज़ है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मैथ्स का भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जीवर सेक्शन पार्ट में, जीके ओलंपियाड में मैथ्स का या रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें बोला गया है 1550 रुपीज़ किसी ने लेंट लिए, लेंट आउट इनटू 2 पार्ट्स, 1 at 8% एंड अनदर एन 1 6%, इफ़ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज 106 देन द मनी लेंट एट ₹6 इज, तो अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, हालांकि ये क्वेश्चन क्लास 7 के लेवल से बहुत ही हाई दे रखा है। इक्वल पार्ट में बोल रहा है कि 1550 को 2 इक्वल पार्ट में किसी को उधार दिए, तो इक्वल पार्ट क्या बनेगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, इसका ये कुछ था।
अब 775 का 8% निकालना है आपको और 6% निकालना है। तो इसका 6% कितना रहेगा अगर हम देखें 775 नो ये मैथ्स का क्वेश्चन आप अगर आपने इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन किए हैं तो आप ये कर पाएंगे, वरना तो ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, मैंने ऑप्शन से किया। 900 का 6% मैंने निकाल लिया, 900 एक किसी आदमी को दिए और बाकी बच गए 650, ये दूसरी जगह दिए जो 8% में हैं। इसका 8% निकाला और इसका 6%, तो ये तो 54 रुपीज़ आया इंटरेस्ट, और ये आया मेरा 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 4 जा 2 5 जा 5 13 13 4 जा 52, ये दो इंटरेस्ट आए और इनका जो सम आया वो हो गया 106। इसलिए यहाँ से हमने ऑप्शन से पता कर लिया कि 900 आंसर हमारा करेक्ट है। कई बार क्वेश्चंस क्या होता है, ऑप्शन से आप कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये था जीके ओलंपियाड SOF द्वारा प्रोवाइड सैम्पल पेपर। अगर आपको इस ओलंपियाड का अच्छे से तैयारी करना है तो मेरे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, मेरे नहीं ओलंपिया जो SOF ओलंपियाड लेता है जीके के, वो आप मेरे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैनल पर जाके, और उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपकी रैंक अच्छी आ पाएगी, प्राइज ले पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर इस मेरे चैनल पर नए हैं यहाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।